ऑलरेडी हम 4 फ्यूचर स्टॉक्स के ऊपर बना चुके हैं, 15-15 स्टॉक एनालिसिस कर चुके हैं। टारगेट है सारे फ्यूचर स्टॉक का एनालिसिस करें। तो आज हमारा 61 से शुरू होगा एस्कॉर्ट। ऑलरेडी 60 स्टॉक्स हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपको पुराने वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम फर्स्ट जो स्टॉक है हमारा एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का एनालिसिस करेंगे। एस्कॉर्ट में एक बहुत ही बड़ा छलांग देखने के लिए मिला है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये था उसका ट्रेंड, और यहाँ पर भी आप अगर गौर कर सकते हैं तो देख सकते होंगे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर एस्कॉर्ट का फ्यूचर छोड़ दें, एस्कॉर्ट का अगर डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर चले जाएं तो ऑलरेडी मैंने ये सारे ट्रेंड खींच के रखे हुए थे, और ऑलरेडी मैंने टारगेट दिया था 21,026 का, ठीक है। और ये बहुत ही हूबहू निभाया, बहुत ही तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिला। कोई बात नहीं, हम फ्यूचर की तरफ फिर से चले चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मैं। अभी क्या होगा, पास्ट का एनालिसिस तो हर कोई कर देता है यहाँ पे। तो ये था फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज या कुछ भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे कारण थे प्राइस ऊपर जाने के लिए, लेकिन इतना सारा पैसा बनता है लोग नहीं बना पाते, क्योंकि पेशेंस की कमी है, लोगों के पास पेशेंस की कमी है, पेशेंस नहीं है। एनीवेज, ये एक हाई तोड़ चुका है, तो अभी रेजिस्टेंस लेवल, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर है फिलहाल के लिए, मैं ये दूंगा आपको 1890, 100 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से स्टॉक क्या कर सकता है, डेली कैंडल चार्ट चलेंगे। डेली कैंडल चार्ट में प्राइस रिट्रेस हो रहा है, फिर से 20 मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। यहाँ से फिर से एक उछाल देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं बाय नहीं कहूँगा जब तक ये हाई नहीं तोड़ देता। ये अप ट्रेंड में चल रहा है। नेगेटिव ट्रेंड कब शुरू होगा, जब ये वाला सपोर्ट तोड़ेगा, ठीक है। ये एक भारी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बेसिस पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी बाय सिग्नल नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेस होगा, उसी के बाद बाय चलेगा। RSI भी 60 के ऊपर है, 60 पे सपोर्ट लेके फिर से उछाल देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट में आएंगे, 15 मिनट के चार्ट में हमको एक पैटर्न मिल रहा है। क्या ये हो गया पैटर्न सर? तो जैसे ही स्टॉक 2020 के ऊपर चलता है, स्टॉक को बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट है 2088, ये हाई को टच करके वापस आ सकता है या फिर नया हाई बना सकता है। नया हाई के लिए कितना आप टारगेट रख सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट टारगेट आप 2100 का रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 2250 का। ये दो स्टॉक का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिएगा, अगर बाई साइड में जाते हैं तो 1950, ओके 1990 का प्राइस है। यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, बाई कहाँ पर करेंगे, 2020 पे, ठीक है। अगर 2020 पे करते हैं, 1960 का आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो लगभग 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। और ये सारे मैंने टारगेट आपको बता दिए। एस्कॉट स्टॉक का एनालिसिस हो गया। अभी चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्री। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड देने की वजह से एक्साइड इंडस्ट्री उतना तेजी देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर भी फ्यूचर स्टॉक है। वीकली कैंडल चार्ट देखेंगे, बहुत ही जोरों से पिटा था, अभी वापस जाने के कगार में है। 200 मूविंग एवरेज को टच किया है। अगर बाई साइड में है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पोज के लिए खरीदे हुए हैं। कहाँ तक आ सकता है प्राइस, लगभग 165 तक आ सकता है, 10 रुपये नीचे गिर सकता है। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देके नया टारगेट बनाया, वीकली कैंडल चार्ट पे 60 के ऊपर है। शेयर प्राइस में तेजी देखने के लिए मिल सकता है। डेली कैंडल चार्ट में लगभग मार्केट के साथ साथ जून 22 से कंटिन्यूअसली रैली देखने के लिए मिला है स्टॉक पे। ये हो गया सपोर्ट ट्रेंड। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से बाई है, 60 के ऊपर है RSI, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ से लगा सकते हैं, 170 या 169 में लगा सकते हैं, सेफ साइड में स्टॉप लॉस। 15 मिनट के चार्ट में अगर 2-3 दिन के अंदर कुछ ट्रेड चाहिए तो यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं है।
यहाँ पर बाय कहाँ पे कर सकते हैं, ये हाई जब तोड़ेगा 177.50 अगर तोड़ता है तभी जाके बाय करिएगा। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो बायलेटरल पैटर्न है, यहाँ पे दोनों साइड में स्टॉक जा सकता है। अगर आप 77.50 में खरीदते हैं 177.50, तो नीचे 172 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, इंट्राडे के लिए या 2-3 दिन के लिए खरीद रहे हैं, तो टारगेट आपका पहला रहेगा आपका 181, उसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा 179। अगर वीकली या डेली में आपके पास पोजीशन है तो लंबा टारगेट है आपका 206 के लिए बाय के लिए रख सकते हैं। प्राइस डेली कैंडल चार्ट में और वीकली कैंडल चार्ट में होल्डिंग पोजीशन में है, नीचे के साइड में आ सकता है, उसके बाद ऊपर के साइड में जा सकता है, तो नीचे जाएगा तो डरिएगा मत। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद चलते हैं फेडरल बैंक के। हाँ, ये भी बहुत अच्छा शेयर है, बहुत दिनों से पड़ा था, अभी देख लेते हैं क्या इसका हालत है। फेडरल बैंक अगर देखें तो वाओ, 2017 का जो हाई था उसको क्रॉस करने के लिए रेडी हो गया है, 119 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है। यहाँ पर सिंपली वीकली कैंडल चार्ट में आप देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से रैली शुरू हुआ। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदे हो 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो, बहुत लंबा चल सकता है शेयर। ठीक है, डेली कैंडल चार्ट में आएंगे, राइजिंग वेज पैटर्न में है, कंटिन्यू रैली कर सकता है, फिर से एंट्री आपको ये हाई तोड़ने पर मिलेगा, 130 के बाद एंट्री कर सकते हैं डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट में एक पैटर्न बना रहा है जो बाई साइड में आपको सिग्नल दे सकता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका एंट्री रहेगा 123, टारगेट क्या रहेगा 130 का टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा आपका 1 नया टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, माय गॉड 151 का। इस टारगेट में आप बाई साइड में रह सकते हैं। ठीक है, लंबा टारगेट चाहिए तो 151, और छोटा सा टारगेट चाहिए फिलहाल के लिए ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो 130 का टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर ये स्टॉक आपको ये पॉजिटिव साइड दिखा सकता है। फेडरल बैंक का हमारा हो गया FSL, फासो सॉल्यूशन, IT कंपनी है ये आपका, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मैंने बहुत लोगों को 60-70 रुपये में 2017 में खरीदवाया था, लेकिन मुझे सीरियसली नहीं लिए, शेयर प्राइस जब गिरा 30 रुपये तक सारे निकल गए। कोई बात नहीं, स्टॉक्स में पैसे कमाना है, सबसे जो ज़्यादा चाहिए वो है पेशेंस, आप कितना इंतज़ार कर सकते हो, जब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा तब जाके स्टॉक आपको पैसा देना शुरू करेगा। फास्टो सॉल्यूशन में वीकली ब्रेकआउट दे चुका है लेकिन RSI सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आएगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे सकता है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो वही हालत है, प्राइस थोड़ा हाई गया है, कोई बात नहीं, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को ऊपर के साइड तोड़ा है। आप अगर डेली कैंडल चार्ट में बाय करना चाहते हो तो 113 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो, पहला टारगेट 125 और दूसरा टारगेट 140 का रख सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट लेंगे, 2-3 दिन के अगर अंदर आपको ट्रेड चाहिए, RSI 15 मिनट का 60 के नीचे है, बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है प्राइस नीचे के साइड में 114 तक आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा लेवल रहेगा 117, 117 को जैसे क्रॉस करेगा आप बाई कर सकते हो 1 रुपये के ऊपर के टारगेट में, या फिर लंबा टारगेट चाहिए तो दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 122 का। लेकिन FSL 2-3 दिन के लिए लो आ सकता है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए 15 दिन 10 दिन या फिर 1.5 महीने के लिए लंबे टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। वीकली कैंडल चार्ट में मैंने जो टारगेट बताया उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। गेल देखेंगे, सारे अच्छे स्टॉक्स अभी आ रहे हैं, गेल वीकली चार्ट पहले देखेंगे। ओ माय गॉड, ये इसने शायद कुछ बोनस वोनस दिया है इसलिए इतना जोर से ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। कितना प्राइस, 138 से 92
डेफिनेटली कुछ बोनस वगैरह दिया हुआ है, देख लेंगे क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं। गेम शेयर एक्स बोनस, बोनस दिया है 1:2, एक दो शेयर में एक दिया है, इसीलिए इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। मतलब जो भी खरीदा था उसको अच्छा ही बेनिफिट मिला होगा, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। वीकली कैंडल चार्ट देखेंगे क्या है यहाँ पे। वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से प्राइस में बहुत तेजी गिरावट आने आया है। बाय करना चाहते हैं तो 81 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। यहाँ पर इतने जोरों से गिरा है तो प्राइस में थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव उछाल भी देखने के लिए मिलेगा। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में भी वही बता रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे प्राइस वेट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज का। हो सकता है प्राइस में थोड़ा अपर साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट में अगर बायस बाय करना सकते हैं तो 92 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 93 क्रॉस करेगा तभी जाके बाय कर सकते हैं। 60 पैसा नीचे जाएगा तो सेल साइड में जाइएगा। टारगेट आपको 91.25 या फिर उससे ज़्यादा नीचे का टारगेट चाहिए तो फिर से प्रीवियस लो ले सकते हैं। सेल के साइड में 82 तक जा सकता है जो स्टॉप लॉस लेवल मैंने बताया। तो फिलहाल के लिए स्टॉक रख दीजिए क्योंकि हो सकता है एक दो दिन के लिए यहाँ पर एक हल्का सा पॉजिटिव उछाल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उतना तेज़ी नहीं मिलेगा, वहीं का वहीं धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ऑप्शंस में पैसा नहीं मिल सकता। आप अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं टेक्निकल के हिसाब से। गेल शेयर के बाद हम आ जाते हैं ग्लेनमार्क में। फार्मा स्टॉक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। देखते हैं क्या हुआ है फार्मा स्टॉक ग्लेनमार्क। वीकली कैंडल चार्ट देखेंगे, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट टॉप लेकिन स्टॉक डाउन ट्रेंड क्योंकि फार्मा स्टॉक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फार्मा FMCG IT ये रिवर्स चलते हैं मार्केट का। ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया और ये मैं सपोर्ट लेवल खींच लिया। अभी डेली कैंडल चार्ट में चलेंगे। डेली कैंडल चार्ट में अगर देखा जाए प्राइस डाउनवर्ड है। बाय करना चाहते हैं 392 में 394 का स्टॉप ट्रेड हो रहा है। आप 348 का स्टॉप लॉस लग के बाय कर सकते हैं पोजिशनल के लिए। ठीक है, ऑप्शन में भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसी तरह आप अगर एंट्री करना चाहते हैं 1410 के बाद ही एंट्री कर सकते हैं, उसके बीच में एंट्री लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे क्या दे रहा है, अभी क्या कर सकते हैं इस चार्ट में दो तीन दिन के अंदर। 15 मिनट के चार्ट में अगर उसी तरह बाय करना चाहते हैं तो 410 का ही बाय बता रहा है, लेकिन फिलहाल 15 मिनट के चार्ट में कंटिन्यूसली रैली देखने के लिए मिला है। तो ये वाला हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है और ये लो 390 अगर तोड़ देता है तो आप सेल साइड में जा सकते हो। क्या क्या टारगेट आपको मिल सकता है, 377 और उससे ज़्यादा गिरा तो 366 का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर इंट्राडे या दो दिन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए 10 दिन 15 दिन और एक दो तीन महीने के लिए खरीद सकते हैं तो पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो वीकली मैंने टारगेट्स बताए हैं उसी के हिसाब से आपको टारगेट लेने होंगे। ठीक है, अभी चलेंगे GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा में तेजी देखने के लिए मिल सकता है, मैंने ऑलरेडी मेरे स्क्रीनर में ये दिखाया है। बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, इतना सारा एनालिसिस करने के लिए, काइंडली सपोर्ट कीजिए। हमने लाइक सब्सक्राइब करके एंकरेज कीजिए, कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। ये वाला हो गया फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में प्राइस ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया, एंट्री है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट कितना रख सकते हो, 48 का, 8 रुपये का टारगेट के लिए 4-5 दिन में आपको मिल सकता है। उसी तरह डेली कैंडल चार्ट को देखेंगे, उसी तरह ही आपको दिखा रहा है बाय साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे कितना, 38 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना रहेगा, टारगेट वही ये हाई का 48-49 का टारगेट रख सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, रेक्टेंगल। ऑलरेडी ये स्टॉक मैंने बाय दिया हुआ है अपने स्टूडेंट सारों को, बाय टुडे सेल टुमारो बताया है, इसको होल्ड करने के लिए बताया। जैसे ही प्राइस ये हाई तोड़ेगा 41,
तो नया हाई एक बनाएगा, कितना हाई बना सकता है, 41 नहीं, उसके बाद का हाई 44 के लिए बाई कर सकते हैं, और अगर पोजीशन में रख सकते हैं तो 48 का टारगेट आप होल्ड कर सकते हैं। जीएनएफसी अच्छा स्टॉक्स, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर केमिकल्स, ये बहुत तेजी देखने के लिए मिला है, अभी के लिए देखते हैं क्या है इसका हाल। बहुत ही लंबा चल रहा था ये स्टॉक, फॉलिंग वेज बना, उसके बाद फिर से प्राइस एक अच्छे लेवल्स पे आके रुका है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं वीकली कैंडल चार्ट पे, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के गया है, 60 के ऊपर है आरएसआई, तो बाय सिग्नल दे रहा है। डेली कैंडल चार्ट में भी ऑलरेडी बाय है, सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके गया है, इसमें भी हम बाय बता रहे हैं। कितना टारगेट रख सकते हैं, सिंपल है, बाय कर रहे हैं तो 905 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना रहेगा 705 का। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो प्राइस में हो सकता है फॉलिंग वेज, सॉरी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन आप अगर बाय साइड में 15 मिनट के चार्ट में तो मैं इसको सेल करने के लिए कहूँगा, लेकिन बाय साइड में अगर करना चाहते हैं तो बाय 780 के ऊपर करिएगा, यहाँ से 10 रुपये बढ़ने के बाद, उसके बाद ही बाय का कन्फर्मेशन आएगा। 15 मिनट के चार्ट में सेल है, छोटा सा नीचे आ सकता है, लेकिन डेली और वीकली चार्ट में आप बाय के लिए स्टॉक जा सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी एंड कंज्यूमर FMCG अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मार्केट कल हो सकता है थोड़ा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में खुलेंगे कल। यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस में बहुत ही जोरों से गिरावट चल रहा था, और यहाँ पे W पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है, लेकिन यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 980 का, वहाँ पर टच करके वापस आ सकता है। तो सेल साइड में वीकली है, डेली का चार्ट भी वही बताएगा, 15 मिनट के चार्ट में डायरेक्ट आ जाता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखोगे पूरा क्लियरली राइजिंग वेज बना रहा है, तो ये एक अच्छा चार्ट नहीं हो सकता, प्राइस थोड़ा नीचे के साइड में आएगा, तो सेल में एंट्री कर सकते हैं। सेल कहाँ से करेंगे, सेल जब 906 या फिर यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कहाँ पे करिएगा, स्टॉप लॉस का रखिएगा 959 पे, ठीक है। नीचे के टायर साइड में टारगेट खुला है 894, 831, उसके बाद 765 तक आ सकता है। तो GNFC में सेल साइड में रिकमेंड करूँगा इंट्राडे के लिए, कुछ दिनों के लिए। पोजिशनल में भी बहुत हाई चला गया है, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास है, तो यहाँ पर बाय करना सही नहीं रहेगा, थोड़ा वेट कीजिए, डिस्काउंट मिलेगा तो प्राइस में एंट्री कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। गुजरात नॉर्मल GNFC का मैंने बताया, राइट, ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज का बताया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, GNFC हो गया, गोदरेज प्रोडक्ट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड को देखेंगे थोड़ा। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे ये वीडियोस अपने दोस्त, अपने एडवाइज़र सबको शेयर करें, हो सकता है उनको कुछ आइडिया यहाँ से मिल जाए और आपके लिए कुछ पैसा बना ले वो। ये था रेजिस्टेंस लेवल, इसको पार करके गया है, यहाँ पर एक मुझे पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस नीचे के साइड में, वो 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे ब्रेकआउट अच्छे से मिल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे वीकली कैंडल चार्ट, ऑलरेडी ये वाला था रेजिस्टेंस लेवल, उसको तोड़ के गया है, प्राइस नीचे रिट्रेस हो गया है, उसके बाद ऊपर गया है। अगर वीकली बाय करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, 1530 के ऊपर ही स्टॉक खरीदने के लिए मैं कहूँगा। वीकली चौपी रह सकता है और कुछ दिन यहाँ पे मार्केट रह सकता है। डेली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे उसी तरह एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने का शंका है, बाय करिए, लेकिन डेली कैंडल चार्ट 1550 के ऊपर बाय कर सकते हैं, टारगेट कितना रख सकते हैं,
2000 का 15 मिनट का चार्ट ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, उसका टारगेट और स्टॉप लॉस देखेंगे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे, आरएसआई क्या बता रहा है, सेल बता रहा है, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस है, नीचे के साइड में खुला है लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल में है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एंट्री करने का एक टाइम मिल सकता है। आप अगर सेल साइड में जाना चाहते हैं तो 1420 तोड़ेगा तब सेल कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 1340 का। उसी तरह प्राइस अगर 1480 तोड़ता है तभी जाके आप 1531 के लिए बाई कर सकते हैं। ये सारे टारगेट तुरंत मिल जाएंगे क्योंकि बड़ा शेयर। ग्रैनुल्स बहुत अच्छा शेयर है, पैरासिटामोल का राजा है, ये भी फार्मा से बिलोंग करता है। वीकली चार्ट देखेंगे पहले, वीकली चार्ट में बहुत अच्छे रैली के बाद प्राइस में बहुत जोरों से गिरावट देखने के लिए मिला था। 2017-18 से मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर चुका हूँ, मुझे आइडिया है स्टॉक के बारे में। प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना चाह रहा है, हो सकता है तोड़ दे क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है। तो बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन 320-330 के बाद बाय करेंगे, यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, सिंपल है, प्राइस सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर भी वो बता रहा है कि 330 के ऊपर ही बाय परचेस कर सकते हैं, सेल कहाँ पे कर सकते हैं, सेल अगर ये लो आपका 300 रुपये तोड़ता है तो सेल के साइड में जा सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, वॉल्यूम 2-3 दिन पहले बहुत ही काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था। अभी अगर देखेंगे ये हो गया प्राइस का लेवल, हाँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 312 तोड़ने पर बाइक में एंट्री कर सकते हैं और टारगेट वही 330 का रख सकते हैं लो टाइम फ्रेम में। उसी तरह सेल साइड में आपको भी सिग्नल मिल सकता है, 306 अगर तोड़ता है तो 300 के लेवल के लिए सेल कर सकते हैं, उसके नीचे कितना 295 के लिए आप सेल कर सकते हो। ग्रासिम इंडिया देखेंगे, सीमेंट का स्टॉक है, पता होना चाहिए किस सेक्टर से बिलोंग करता है, जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। सीमेंट स्टॉक्स में भारी उछाल देखने के लिए मिला है, ग्रासिम, डालमिया भारत, सारे स्टॉक्स हम देख चुके हैं। 60 ब्रेकआउट किया है वीकली में, यहाँ पे एक रैली मिल सकता है। देखिए आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स में आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो 1670 तक ये प्राइस वापस आ सकता है, उसके बाद में आपको रैली देखने के लिए मिल सकता है। ब्रेकआउट हो चुका है, बाई साइड में हम एंट्री कर सकते हैं, आरएसआई लेवल 60 के ऊपर है। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, एक पॉजिटिव रैली, लॉन्ग पॉजिटिव रैली, ये इसका सपोर्ट लेवल है। आगे चलते हैं, 15 मिनट का चार्ट में क्या बन रहा है, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल नहीं राइजिंग वेज बन रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। तो आपको 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं सेल सिग्नल दूंगा, जैसे ही ये लो तोड़ता है 1790 तोड़ता है तो आप 1750 के लिए बाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो 1710 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से प्राइस फिर से वापस जा सकता है, ठीक है। देखिए मैं वीकली डेली में इसको बाय बता रहा हूँ, 15 मिनट में छोटा सा नीचे आ सकता है, रिट्रेस हो सकता है, आशा करता हूँ समझ पा रहे हो आप लोग। अगर कहीं पे भी समझ नहीं पा रहे हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, ठीक है। इसके बाद GSPL गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, इसमें भी बाय सिग्नल आया था 2-3 दिन पहले, थोड़ा डेली वीकली सारे कैंडल देखेंगे। ओके, वीकली कैंडल चार्ट में फॉलिंग वेज बन रहा था, फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया है 4-5 हफ्तों से, रिट्रेस हुआ है, उसके बाद प्राइस गया है, लास्ट वीक में प्राइस में ग्रोथ हुआ है। GSPL में बहुत लोगों को बाय दे चुका हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में एंट्री करेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्यों कैसे बाय सेल में देता हूँ। मेरे पास एक स्क्रीनर है, वो स्क्रीनर से मुझे बाय सेल सिग्नल्स आ जाते हैं किस शेयर्स में मूवमेंट हो सकता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस में एंट्री आपको बताऊंगा, 275 को अगर क्रॉस करता है बाय कर सकते हैं, कितना लेवल तक
345 तक। उसी तरह अगर सेल साइड में जाना चाहते हैं तो 232 का सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइस में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी ऑफसाइड में ब्रेकआउट दे चुका है। तो बाय सिग्नल दे रहा है डे कैंडल चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, बायलेटरल पैटर्न है। प्राइस में एंट्री इस हाई को तोड़ने पर करेंगे 261 का। सेल साइड में 15 मिनट चार्ट में जा सकते हैं, कहाँ पर, जैसे ही 230.53 तोड़ता है तो सेल साइड में जा सकते हैं, लेकिन 244 तक, 10 रुपये के नीचे आपको टारगेट अचीव करके निकल जाना है, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में है डेली और वीकली, और ऑलमोस्ट 15 मिनट डेली और वीकली को फॉलो करेगा। हो सकता है RSI यहाँ पे सेल दिखा रहा है 15 मिनट के लिए, छोटा सा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बाद में प्राइस में एक बड़ा कैंडल बन जाएगा तो ऊपर के साइड चला जाएगा प्राइस। गुजरात गैस लिमिटेड, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं, मुझे पता है आपने नहीं किया अभी तक, कर लीजिए कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। हमेशा ही हम ऐसे ही स्टॉक्स में टारगेट सपोर्ट डालते रहते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम, वीकली कैंडल चार्ट में बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट 584, 514 में खरीदिए 584। और दूसरा टारगेट कितना हो सकता है आपका, दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 708। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, 435 का। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में 200 मूविंग एवरेज को टच किया है तो वापस थोड़ा रिट्रेस होगा, प्राइस 473 तक आ सकता है। सेल बता रहा है यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, लेकिन 60 मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है गैप ऑफ ओपनिंग कल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये वाला स्टॉप लॉस से बाय साइड में जाते हैं, नहीं तो नीचे आता है तो इस लेवल पे भी खरीद सकते हैं डिस्काउंट में। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं यह हाई को जब तोड़ेगा 520 को। और टारगेट कैसे लेंगे, प्रीवियस हाई, जो जो हाई मैंने बताया, तो आपका टारगेट दूसरा है 536 और 580 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूँ सारे स्टॉक्स के बारे में जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। HAL, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ओडिशा में है इसका प्लांट, इसका प्लांट को भी मैं गया था, घुमा हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ा टाउनशिप है। रॉकेट हो गया है शेयर प्राइस, IPO के बाद थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिला था, उसके बाद कंटिन्यूसली रैली है, ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्राइस अगर 2343 के आसपास आता है तभी जाके एंट्री करें, इस लेवल पे एंट्री करने के लिए नहीं बोलूँगा, ओवरबॉट एरिया में है। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, उसी तरह राइजिंग वेज में है। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में आप एंट्री कर सकते हो, कहाँ एंट्री कर सकते हो, जब ये हाई तोड़ेगा, कितना, 2650 को अगर तोड़ेगा तभी जाके एंट्री कर सकते हो, नहीं तुरंत एंट्री करना है तो ये हाई 2625 अगर तोड़ता है तो 2650 के लिए बाय कर सकते हो, 50 रुपये, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लेवल 2650 अगर तोड़ता है तो किस तक, कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक्स, ये जानना चाहिए ना। ठीक है, बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट टारगेट है आपका 2770। ये हो गए फ्यूचर के 15 स्टॉक्स, जो स्टॉक्स में आपको क्वेश्चंस है मेरे साथ शेयर करें। अगर सही अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये सारी चीज़ें आपको भी सीखना है, खुद से करना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक के वेबसाइट में आप जाइए। बहुत जल्द हम एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने वाले हैं, ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सर्विसेज में आओगे तो सारे कोर्स की डिटेल्स हमारा यहाँ पे है, हमारे बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।